तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है उसको भी क्लिक करें। तो यार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टेक ड्राइड हिंदी में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड ओ में आप कैसे अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो 5.1 हो, चाहे लॉलीपॉप हो, या चाहे मार्शमेलो हो, या मतलब वो नॉगट हो। तो आप उसे ओरियो में अपडेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखते रहें। जैसे कि मैं आपको कुछ उनके फीचर्स को अब दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें स्टेटस बार, नोटिफिकेशन बार, मेनू मोड वो चेंज हो चुका है। तो उसके लिए आपको कोई रोम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिवाइस को जो ऑफिशियल स्टोर है आपका, उसको ही आप चेंज कर सकते हैं। बस बताते आपको जो है कोई रिकवरी जो है कस्टम इंस्टॉल होनी चाहिए। जैसे कि मेरे डिवाइस में तो इंस्टॉल है ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पे मैंने जो है एक्सपोज इंस्टॉलर को जो मैंने एक्टिव किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर जो आप एक्सपोज इंस्टॉलर को एक्टिव करना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। अपने डिवाइस का मॉडल नंबर जो है नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने जो है एंड्रॉयड ओ 5 का मैंने मॉड्यूल एक डाउनलोड किया। ये एंड्रॉयड ओ 5 के नाम से जो है पॉपुलर है। तो ये देख सकते हैं मैंने जो है इसे इनेबल कर दिया यहाँ पे एक्सपोज में। और यहाँ पे इनेबल करने के बाद आपको जो है आप अपने डिवाइस का जो है एंड्रॉयड वर्जन चेंज कर लें। जाके आप यहाँ पे आपको ES फाइल एक्सप्लोर में जानी है, या कोई भी रूट एक्सप्लोर हो, यहाँ पे डिवाइस में जाना है और यहाँ पे सिस्टम में जाना है। यहाँ आपको मिल जाएगा डिवाइस में जाने के बाद। ये रूटिंग के बाद ही ये प्रोसेस आपको शो करेगी। यहाँ पे सिस्टम में जाएं और यहाँ पे बिल्ड प्रोब का ऑप्शन दिया गया है, डॉट बिल्ड प्रोब, इसको क्लिक करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है इसका जो है रो बिल्ड वर्जन जो है उसे चेंज कर लें। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया एंड्रॉयड ओ में। मैंने यहाँ पे ओ टाइप करके यहाँ पे मैं यस कर दिया और यस करने के बाद मैंने रिबूट मार दिया। आप देख सकते हैं कि आप रिबूट मैं अभी मार रहा हूँ इसमें, यहाँ से आप रिबूट कर दें और रिबूट करके आप ऑन होने तक वेट करें अपने डिवाइस को। और मैं आपको प्रूफ के साथ शो कर दूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा ये जो है रिबूटिंग के बाद देख सकते हैं यहाँ जो मेरा अच्छा मेरा जो था नोटिफिकेशन बार वो चेंज हो चुका है। और UI स्टेटस बार सेटिंग मैं अभी पूरी आपको शो करता हूँ यहाँ पे। आप मैंने देखिए मैंने जो जब टेप किया ऊपर तो ये इस तरह से आया नोगट की तरह, फुल्ली नोगट ये बन चुका है मेरा डिवाइस। इसमें ये जो है मैं बता दूं MIUI के डिवाइस में जो है इसे मतलब ट्राई ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका डिवाइस वाइव UI है, या सैमसंग का डिवाइस है, या फिर जो आपका कोई AICP या AOSP रोम कस्टम रोम है तो उन सब में जो है ये वर्क कर जाएगा पूरी तरह से। जैसे देख सकते हैं ये सेटिंग के टाइल्स के ऊपर जो है ये आपको ऊपर में ही शो कर देता है नोगट की तरह सेम। और यहाँ पे मैं आपको UI भी शो कर दूँ सेटिंग में जाके, जो आप अबाउट वर्जन जो चेंज करते हैं देखते हैं चेक करते हैं जो आप एंड्रॉयड वर्जन, मैं उसको भी दिखा दूँ। ये ऑफिशियली जो है ये ऑडियो बन चुका है, ऑफिशियली ऑडियो। तो मैं इस पर टेप करके आपको शो कर रहा हूँ। या फाइनली आप देख सकते हैं मेरा जो है ये ऑडियो बन चुका है। और बस ये UI ही नहीं, ये पूरी चेंज हो चुकी है। ऐसा मत समझिए कि ये मतलब ये स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है, ये सब कुछ वर्क कर रहा है, ये स्मूथली वर्क कर रहा है। और इसका जो है हमें फीचर भी मिल गया जो था एंड्रॉयड ओ का। और आपको कोई कस्टम रोम भी नहीं इंस्टॉल करनी पड़ी इसमें, बस आपको एक्सपोज में जो है आपने एक्टिव कर दिया और उसके बाद रिबूट मार दें, उसके बाद ये सारा जो प्रोसेस हो जाएगा। अगर जो आपको ये सब समझ में आया तो वीडियो को एक बार और चेक कीजिए, फिर से देखिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा पूरी वीडियो। तो आई थिंक आपने अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। सब्सक्राइब तो जरूर कर दें यार, क्योंकि मैं और भी अगर कोई बनाऊँ तो आपको जो है अपडेट मिल जाएगा, मतलब जल्दी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय 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 गाइस।